तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पोनियन सेल्वन पार्ट टू और एजेड मूवी का आज पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करने वाले हैं। सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को इन दोनों मूवीज़ का अर्ली एस्टिमेट इंडिया का बता दिया था, लेकिन अभी मैं आप लोगों को वर्ल्ड वाइड बताने वाला हूँ कि ये दोनों मूवीज़ कितना कलेक्शन कर रही हैं पहले दिन पर। बात करेंगे इसके अलावा दोनों मूवीज़ के बजट की, और बात करेंगे इन दोनों मूवीज़ की स्टार कास्ट की भी। तो अगर आप लोगों को भी जानना है तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो गाइस, वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले बात करते हैं पोनियन सेल्वन पार्ट टू मूवी की। तो गाइस, इस मूवी का जो बजट है वह 250 करोड़ रुपये का, बहुत ही बड़ा बजट। और इस मूवी को आज पैन इंडिया रिलीज़ किया गया है तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज में। बात करें मूवी की स्टार कास्ट की, तो मूवी के लीड रोल में आपको जिया विक्रम, जैम रवि, कार्थी ऐश्वर्या राय और त्रिशा कृष्ण देखने को मिलने वाले हैं। तो बात करें पहले दिन पर ये कितना कलेक्शन कर रही है, तो जो पहले दिन का अर्ली एस्टिमेट आया है वो है 33 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन इंडिया से। और ओवरसीज़ का अभी भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ओवरसीज़ से भी जो न्यूज़ें निकल कर आ रही है उसके मुताबिक ओवरसीज़ से भी ये तकरीबन इतना ही कलेक्शन कर रही है 30 करोड़ तक की। तो ये अगर 30 करोड़ की अगर ओवरसीज से ये कलेक्शन कर रही है और 33 करोड़ तक की अगर ये इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है, तो पहले दिन का जो इसका वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन हो जाता है वो हो जाता है 63 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ही बड़ा है। लेकिन इसके पार्ट वन ने जो कलेक्शन किया था वो था 80 करोड़ रुपये पहले दिन पर। उस हिसाब से देखें तो ये कम है। बाकी जो ऑफिशियल कलेक्शन है वो तो कल मेकर्स की तरफ से अपडेट कर दिए जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक ये 63 करोड़ रुपये तक की वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन कर रही है। बाकी आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। और अभी तक आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा तो ज़रूर देखना। बाकी इस मूवी के जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिले थे, हालांकि जो पार्ट वन था उस मूवी को बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज़ देखने को मिले थे, लेकिन पार्ट टू को उससे उल्टा हो रहा है। पार्ट टू को बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक की तरफ से इस मूवी को रिस्पांस भी अच्छा देखने को मिल गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये दूसरी मूवी भी पहले मूवी की तरह 500 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी बात करते हैं हमारी दूसरी मूवी एजेंट की। तो गाइस, एजेंट जो है वो तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है, लेकिन इस मूवी को भी जो पैन इंडिया रिलीज़ किया गया है। बात करें इस मूवी के लीड रोल की, तो इस मूवी के लीड रोल में आपको अखिल अकनैनी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि तेलुगु के बड़े सुपरस्टार हैं। बात करें मूवी के बजट, तो इस मूवी का जो बजट है वो है 45 करोड़ रुपये का बड़ा बजट। बात करें इस मूवी के अगर कलेक्शन की, तो इस मूवी का जो आज पहले दिन पर कलेक्शन निकल कर आया है ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन वो है 7 करोड़ 50 लाख रुपये, और ओवरसीज नेट कलेक्शन 2 करोड़ 50 लाख रुपये। आज के दिन पर इसने पहले दिन पर जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है वो है 10 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन है, जो कि इस मूवी ने अच्छा स्टार्ट ले लिया है। अगर ये मूवी ऐसे ही कलेक्शन करती रही तो अपना बजट कवर कर लेगी। जिस तरह का इस मूवी को रिस्पांस देखने को मिला, मुझे लग रहा है कि ये अपना बजट कवर कर लेगी और एक अच्छा कलेक्शन करके सुपर हिट मूवी साबित होगी। बाकी इस मूवी को रिव्यूज़ भी अच्छे देखने को मिले हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस थिएटर्स में इस मूवी को देखने को मिला है। आप लोगों ने अगर इस मूवी को मिस कर दिया है तो एक बार इस मूवी को ज़रूर वॉच कर लेना। और इन दोनों मूवीज़ में से ज़्यादा अच्छी आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं अपने वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो गाइस, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।